आप सभी को प्यार भरा जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण पलटा सीखेंगे, जिस पलटा को बजाने से हाथ फ्रेश होता है, हाथ में वेट आता है, अच्छा से अच्छा हम लोग तबला प्ले कर पाते हैं। ये पलटा दिल्ली घराने का पलटा है, ये एक प्रसिद्ध पलटा है जो कायदे नंबर फर्स्ट का है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस पलटा को सीखें। पलटा का बोल इस प्रकार है, धाधा धाधा तेटे तेटे धाधा तेटे धाधा तुन्ना ताता ताता तेटे तेटे धाधा तेटे धाधा धिन्ना। इसे आप एक कॉपी पर लिख लीजिएगा है ना, इसे याद करके तब प्ले कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस पलटा को सीखें है ना। बोल है धा धा धा। कैसे बजाएंगे? धा बजाने के लिए चाटी पन्ना और डग्गे पे घे दोनों मिलकर के बनता है धा। है ना, तेटे तेटे बजाने के लिए स्याही के बीचों बीच ते ते है ना, धा 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 ते 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 ऐसे है ना, धा धा ते ते धा धा तुन्ना है ना, धा धा ते ते धा धा तुन्ना धा 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 धा। वो सेम पैटर्न है, धा धा जैसे उसमें बजाते थे ना उसी प्रकार टे टे टेटे बजाने तो आता ही है, धाधा बजाने अब तुन्ना है। तुन्ना कैसे बजाएंगे? तुन्ना बजाने के लिए स्याही पर ऐसे तुन्ना, और अगर तुन में ऐसे इसको मिला दे क को, ऐसे जैसे क बजाते ना क, इसी प्रकार इस क को मिला देंगे तो और अच्छा तुन्ना बजेगा है ना। ऐसे अब निकलता है ना तुन्ना तुन्ना, ऐसे बजाएंगे है ना, धा 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 ते 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 धा धा ते ते धा धा तुन्ना। अब है ता 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 ते 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 धा धा ते ते धा धा धिन्ना है ना। तो धा धा कैसे बजाएंगे? धा धा बजाने के लिए सॉरी ता 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 कैसे बजाएंगे? ताता बजाने के लिए चाटी पर है ना ता ता। अब आप सोचते होइएगा कि यहाँ से तो ना बजता है, तो नहीं दोस्तों, यहाँ से ना भी बजता और ता भी बजता है ना। तो ता 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 ते 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 है ना, ता 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 ते 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 अब ये क्या बजाए? ये क्या बजाए? धा धा ते ते धा धा धिन्ना है ना। अब इसको कैसे बजाएंगे? ताता ताता ते 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 इस ये तो बजा लिए है ना, अब बच गया धा धा ते ते धा धा धिन्ना। तो धा धा ते ते तो बजा ही लेंगे है ना, धा धा ते सॉरी धा धा ते ते धा धा धिन्ना। धिन्ना बजाने के लिए है ना तीन जैसे बजाते हैं ना, तीन 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 और डगे पे घी ऐसे दिन, दिन, है ना, दिन तीन और घी दोनों मिलकर के बनता है दिन। जैसे हम लोग धा बजाते हैं ना, ता और घी दोनों मिलकर के बनता है धा, उसी प्रकार तीन और घी दोनों मिलकर के बनता है दिन सॉरी इस प्रकार से है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पलटा को तो सीख लिए, एक बार इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं ना। अब इस पलटा को तो हम लोग ने बजाना सीख लिया, अब आइए हम लोग इस पलटे को एक्सप्लेन करते हैं है ना। धा धा
इतना सीखने के बाद अब हमारे माइंड में ये आता होगा कि आखिर पलटा कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन तो उठता ही होगा, है ना, कि पलटा कहते किसे हैं। तो दोस्तों पलटा कायदे का ही एक प्रकार है ना। जैसा कि शब्द से ज्ञात होता है कि किसी रचना के उलटने पलटने को पलटा कहते हैं, किसी रचना के उलटने पलटने को पलटा कहते हैं। जैसे तबले के कायदे में आए हुए बोलों को, कायदा जो आया ना, तबले के कायदे में आए हुए बोलों को विभिन्न प्रकार से उलट पलट कर बजाने की प्रक्रिया को हम पलटा कहते हैं, है ना। मतलब कायदा का ही उलट पलट कर जो बजाने की प्रक्रिया होता है उसे हम पलटा कहते हैं, है ना। तो तबले के कायदे में आए हुए बोलों को विभिन्न प्रकार से उलट पलट कर बजाने की प्रक्रिया को हम पलटा कहते हैं। इसे कायदे का विस्तार भी कह सकते हैं, इसे कायदे का विस्तार भी कह सकते हैं, है ना। तो मेन क्या है, कायदा का उलट पलट कर बजाने की प्रक्रिया को हम पलटा कहते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसको ठा दुगुन और चौगुन में बजाना सीखें। ठा की लय, ठा की लय कहने का मतलब एक मात्रा में एक मात्रा बजाना ठा की लय कहलाती है ना। तो आइए हम लोग इसे ठा की लय में पहले सीखें। इस प्रकार एक मात्रा में एक मात्रा। अब है ता 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 ते 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 धा धा ते ते धा धा धिन ना, ऐसे है ना। अब दोगुन किला, दोगुन किला कहने का मतलब एक मात्रा में दो मात्रा बजाना दोगुन किला, है ना। तो दोगुन किला आइए अब हम लोग दोगुन किला सीखते हैं। इस प्रकार अब हम लोग सीखेंगे चौगुन। चौगुन की लय कहने का मतलब एक मात्रा में चार मात्रा बजाना चौगुन की लय कहलाती है ना। तो आइए अब हम लोग चौगुन की लय को सीखें। सॉरी, एक मात्रा में चार मात्रा बजाना चौगुन की लय कहलाती है। तो आइए अब हम लोग चौगुन की लय सीखें। धाधा धाधा तेटी तेटी धाधा तेटी धाधा अब हम लोग तिहाई सीखेंगे, जो कायदा और पलटा बजाने के बाद अंत में बजाया जाता है तिहाई, है ना। तो दोस्तों ये सवाल उठता है कि तिहाई आखिर कहते किसे हैं। तो तिहाई एक ही बोलों के समूह को एक ही ढंग से बजाया जाता है, परंतु है ना, एक ही बोलों के समूह को एक ही ढंग से बजाया जाता है, परंतु जब पहला और दूसरा भाग बजाने के बाद रुका जाता है या विश्राम दिया जाता है तो उसे हम तिहाई कहते हैं, है ना। एक ही बोलों के समूह को एक ही ढंग से तीन बार बजाया जाता है, परंतु जब पहला और दूसरा भाग बजाने के बाद रुका जाता है या विश्राम दिया जाता है तो उसे हम तिहाई कहते हैं, है ना। तिहाई तीन बार बजाया जाता है। जैसे तिहाई का बोली इस प्रकार है, धाधा तेटे धाधा तुन्ना धा, धाधा तेटे धाधा तुन्ना धा, धाधा तेटे धाधा तुन्ना धा,
रुका ना, विश्राम पर सम पे रुका ना, धा है, धा जो सम है वहाँ रुका ना, धा धा ते टे धा धा तुम ना धा, धा धा ते टे धा धा तुम ना धा, धा धा ते टे धा धा तुम ना धा। इस प्रकार से आइए हम लोग इस तिहाई को सीखे है ना। अब दोस्तों हम लोग इसे पलटा के साथ बजाना सीखते हैं, है ना। धाधा तेटे धाधा तुन्ना धा, धाधा तेटे धाधा तुन्ना धा, धाधा तेटे धाधा तुन्ना धा, है ना।